पीटीआई सियासी न पर दहशतगर्द जमायत है। मुल्क में डफेड़ पखेण मंशूर है। उहा 2014 ईस्वी का लाशन की गोला में है। तहरीक इंसाफ की रत में तशद की सियासत है। बनू में व्यापार के अमन मार्च में तहरीक इंसाफ जहा मू हथियार शामिल थे। जन फायरिंग कर बिगोड़ कराने की कोशिश कई उ पांजे मानुन के मारे लिया है। हाने बे मुल्की महशत के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सुत्समावारी वफाकी वजीर अतातारण है बानी पीटीआई के आडियाला जेल के डेथ सेल में न पर स्वीट रूम में रखो वो है। कैसे वर्जिश की साइकिल किचन वॉकिंग गैलरी खाधे पीते जो सहूलतू डी व्यवहार। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसलखाने के हमले में मुलोस पाकिस्तानी शहर की वीडियोज की मदद से सुप कई पी वे जैकड़े उनमें सियासी अंसर मुलोस निकता त बानी पीटीआई खेन बचाए न सकंदो। बनू वाके ते ड्रामेबाज सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगुई दहशतगर्दी का मुतासर आए कें भी वे साने के बर्दाश्त न तो कर सके। अवाम की जान माल की हिफाजत सूबाई हुकूमत की अवलन तरजीह में शामिल है। वफाकी वजीर अतातारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर अतातारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में सूबाई सलाहकार बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ चयो है त बनू में कें भी वे अणमंदड़ वाके के रोकण सूबाई हुकूमत की अवलन तरजीह है। मकामी इंतजामिया समाजी अगुवाणन से मुस्तमिल कमेटी जो गाल हली रही हैं जैसे नतीजे में बनू अंदर अमन बहाल थो। एक नाम निहाद मुनसिफ पीकेएलआई के तबाह करण की साजिश कई पर पीकेएलआई में बेर हजारे मरीजन जो मुफ्त इलाज थी रो है। मुफ्त तालीम इलाज गरीब मानुन जो हक है। आम मानुन जी तालीम इलाज से सियासत न थन घुर्जे। इस्लामाबाद में जिना मेडिकल सेंटर के इफ्तिताही तकरीब के खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ है तो जिना मेडिकल सेंटर के दे मिसाली बनाए थे। न केपी असेंबली टुटंदी न केपी असेंबली त इस्तीफा दींदी। फारम 47 वारन लाए मैदान खाली न छो वो। पीटीआई अगुवाण अली मोहम्मद खान है चोरी कल मैंडेट वापस वी बेहर हुकूमत ठाए पीटीआई बानी के वजीर आजम बणा वो दादुली कदड़न जो इतसाब किया वो। नए तोशाखाना रिफरेंस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी नैब आडो पेश न थे। नैब टीम अडियाला जेल में जांच कमरे में अढ़ाई कलाकन इंतजार करण बाद वापस मोटी वही। जेल इंतजामिया मूजिब बानी पीटीआई बुशरा बीबी के केतरा ही भेरा पैगाम मोकलिया वा पर नैब टीम आडो पेश न थे। सुभाने बिन्हीं के अदालत में पेश किया वो। बानी पीटीआई बुशरा बीबी नए तोशाखाना रिफरेंस में 8 ढीह के जिस्मानी रिमांड से आई। जर्मन शहर में अफगान शहर जो इतिजाज दौरान पाकिस्तानी कौंसलखाने से हमलो पथरा कह वो। अफगान शहर हमले दौरान कौमी झंडे की बेहरमती कई झंडो लाय छिले छो। पाकिस्तान के सफारती हमले पारा जर्मन परदेही वजारत आदो इतिजाज वाके की जांच करण जो मुतालबो। परदेही खाते जो चवण है वाके से पाकिस्तानी कौंसलखाने की सलामती खतरे में अची वही है। इंदा पसंद टोले जो हमलो हमले की हयातुन लाय वो खतरो हो। पाकिस्तान जर्मन हुकूमत तरफा कौंसल मिशन के तहफुज में नाकामी की सख्त मजम्मत करे तो। व्याना कन्वेंशन तहत कौंसलखाने की हिफाजत मेजबान मुल्क की जिम्मेवारी है। जर्मन हुकूमत सफारती मिशन की सलामती के यकीनी बनाने लाय तुरंत कदम खड़े वाके में मुलोस जवाबदार के गिरफ्तार कर कार्रवाई कई वही। मानू बिजली के बिलन महंगाई सबब मरी रहा है। खुशामंदी टोलो सब ठीक है जी गाल कर रहा है। मियाँ साहब सब ठीक ना है। आसिफ करमानी नून लीग छड़न जो ऐलान कंदे चयो है ता नून लीग में पीपुल्स पार्टी जमायत इस्लामी जा मानू अची वया हैं। लगे तो नवाज शरीफ भी बेबस थी वयो है। वो हाने वो ना रहो जेको पहरी हो। मुल्क में हादसन के नतीजे में पैदा थींदड़ नस्ल हमेशा हादसे जो इंतजार में शेरवानी ठाराए बैठो हों।
समाजी रबतन वाली वेबसाइट एक्स से जारी कल बयान में बचाव वाले वजीर ख्वाजा से है त मुल्की सियासत 75 वरन में केतर ही हादसों के जन्म दिनों जै सियासत टेक्नोक्रेट व्यापार के एक अड़े नस्ल के जन्म दिनों जैके हर वक्त हादसे लाय तैयार रहा जडे भी बेयकनी वाली सूरताल होंगी है त उ नई सियासी पार्टियों ठाण प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पिंडी तरफ दिसंदा आहिनि। पीटीआई के अगुवाण शफकत मेमून भी सियासत छड़ने का ऐलान कर छो। शफकत मेमून है तो वह कें दबाव में अची सियासत न पे छे हाँ संद समूर ध्यान लिखण ए पढ़ाने तो होंद। सिंध के मुख्तलिफ शहर में बरसात बावजूद गर्मी घट न थी, गर्मी जो जोर बरकरार। सामूंडी हवाओं बंद होने सबब कराची में घुट बूसर जो राज। शहर में 37 की गर्मी पद में गर्मी 45 सेंटीग्रेड ताई महसूस थियण लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकन में बे ढी भी बरसात। मलिर के मुख्तलिफ इलाकन काठरोड़ खोखरा पार ए कायदाबाद में बरसात। गुलशन इकबाल सचल गोठ गुलिस्तान जोहर भिटैयाबाद ए बहादुराबाद में बेककर वसी पया। थरटे में कारूंजर बचाओ सिंध बचाओ मिट्टी में थर कॉन्फ्रेंस। थर प्रेस क्लब हाल मिट्टी में वकील शंकर मेघवाड़ ए अलारको कोसो कारूंजर जो केस पेश कर कॉन्फ्रेंस में नौजवान वकीलन ए कानून के शोबे में दिलचस्पी रखड़ शागिर्दन की वे अंग में शिरकत। थरटे में जीएसएम कौमी पार्टी की मेजबानी हेठे कारूंजर बचाओ सिंध बचाओ जुनवान से प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस। नवाज खान जऊ नवाज शाह भाडई जलाल शाह बेन जो चवण हो कारूंजर की कटाई समेत सिंध की जमीन से वालार बेन सिंध दुश्मन मनसूबन खिलाफ अमली जदोजहद की जरूरत है। तंगवाणी वेझो बिन धुरन के खूनी तकरार जो जरबो 72 लख रुपया दंड मुकरर। बखराणी बिरादरी की बिन धुरन में हलंदड़ खूनी तकरार जो मीर अशरफ गुजरानी की सरपंच में जरबो थो। बिन भारन नूर खान बखराणी ए बार खान जा खून साबित थे शाह दोस्त उर्फ शाही बखराणी धुर्म था 72 लख रुपया दंड मड़ो वो। 15 साल अग कार तकरार तां फायरिंग कर बिन भारन के कत्ल कर वो हो।